हाँ, वेलकम टू एफ एस सी एंटरटेनमेंट। मैं हूँ जूलैंड जोधपुर में मिस्टर खिलजी के साथ, एजाज खिलजी। अस्सलाम वालेकुम वालेकुम एजाज भाई। सलाम। जूलैंड फार्म जो है जी पलाई करता जी है जी और बहुत बिल्कुल ही वाजिब दामों में, राइट? जी बिल्कुल आई रिमेम्बर 2021 में ड्यूरिंग कोविड हाँ वी शॉट अ फर्स्ट सीरीज, या और दैट टाइम आई थिंक पलाई आपने 1700 या 2000 रुपये बोला था। हाँ 1700 रुपये बताया था सत्रह सौ उसमें। रुपये अभी फ़िलहाल हमारे फार्म पे पलाई क्या है? अभी 1800 एंड 2000। सो 1800 और 2000 रुपये, कोई भी साइज़ के बकरे लेके आ जाओ, हाँ 80 किलो, 100 किलो। बकरे आप देख लो, ये अभी 2000 में जैसे ये पला। बकरे हैं, हाँ ये उन्हीं पलाई में रेट में बने हुए हैं, ये बिल्कुल उसी पलाई में पड़ते कोई हैं। एक्स्ट्रा दूध पूध कुछ भी नहीं जाता है नथिंग इनको, नथिंग कुछ नहीं, एवरीथिंग एवरीथिंग इंक्लूडेड। ओके। और कुछ देना पड़ता है उसके अलावा लोगों को? नहीं ऐसा कुछ वैक्सीनेशन नहीं, नहीं चार्ज नहीं या नथिंग बकरा नथिंग बीमार कुछ हो भी नहीं। गया या खुर हंड्रेड कटिंग चार्ज? ना खुर कटिंग, ना हेयर कटिंग, ना कुछ भी नहीं, कुछ भी नहीं। सो एवरीथिंग इज कवर्ड इन 1700 एंड 2000। या ये स्लैब एक्सप्लेन करोगे, 1700 सेवन किसको है? सेवनटीन हंड्रेड को अपन 1700 एटीन हंड्रेड जो भी है वो बिलो 40 है, अबव 40 अप टिल जो भी जहाँ तक भी जाता है 2000 रुपये है। 40 किलो के नीचे जो है 1700 रुपये, हाँ और ऊपर जो है वो 2000। अंडुल अंडुल नहीं रखता भैया, अंडुल नहीं रखते, सिर्फ खसी बकरों की सिर्फ है खसी पलाई रेट रखते हैं ये। भैया और अंडुल, क्योंकि कोई मेरे अंडुल बकरा यहाँ पर लेके आता है, जी भाई। उनको अगर बोले कि भाई पंच कर दो हाँ और आप रखो, तो डू यू चार्ज एनीथिंग एक्स्ट्रा? नहीं नहीं कुछ भी नहीं, पंच वगैरह तो जैसे भी जैसे बच्चे आते हैं तो ज़्यादातर अंडुल ही आते हैं, वो अखे आते हैं, उनको फिर पंच करना है या जो भी करना है वो सब मेडिकल है, हेयर कटिंग है, खुर कटिंग है, एनीथिंग जो भी मेंटेन जो बकरे को जिस तरीके से करना है वो सब मेरे अंडर है। या लोगों में ऐसा होगा, ये जोधपुर में फार्म है तो 1700 2000 में आपको परवड़ता होगा, इसीलिए आप पाल रहे हो, बिल्कुल नेचुरल, जब ही कर रहे हैं नहीं राइट? तो कौन करेगा। ऑब्वियसली, क्योंकि बॉम्बे में यही 1000 रुपये ज़्यादा बिल्कुल है ना, 3000 रुपये लोग लेते हैं खसी बकरों का। तो क्यों रखना चाहिए लोगों को यहाँ पर, क्योंकि ज़्यादातर मैं देख रहा हूँ आपके क्लाइंट्स मुंबई वाले हैं। भाई, हमारे यहाँ पे एक तो टेम्परेचर जो और ड्राई जो मतलब मौसम जो है एकदम ड्राई है वेदर उसमें जो बकरा है अच्छा सूटेबल बनता है बकरे बनने है। के लिए, हाँ है ना? उसमें अच्छा बनता है बट बकरा। लोग कहेंगे कि भाई 1700 दे रहे हैं तो क्या भाई अल्लाह भरोसे छोड़ दे, नहीं नहीं या अल्लाह कि भाई भरोसा, अल्लाह भरोसे कैसे छोड़ेंगे आप। हर मंथ मैं आपको वीडियोस भेजूंगा, हर मंथ एक वीडियो तो आपको वेट का और बकरे का दोनों का आना ही आना है, ये दोनों चीज़ें मिलनी मिलनी है। उसके बाद में अगर कोई आप कोई मंथ में कभी बीच में आप कह देते हो कि एक आध वीडियो भेज दिया कर दो, तो हम वो और भी वीडियोस वगैरह तो जो शेयर कर देते प्रेशर हैं। बॉम्बे के फार्म वालों पे होता है 3000 रुपये में हर महीने वेट गेन दो, आप पे भी वो प्रेशर होता है? बिल्कुल सेम है, क्योंकि हर मंथ जब मेरे को वीडियो देना है, वेट को वीडियो देना है, बकरे का पूरा वीडियो मेरे को शेयर करनी है, तो वो प्रेशर तो है ही। अगर 1 किलो भी बड़ा है तो क्यों बड़ा है, और 4 किलो बड़ा है तो भी क्यों बड़ा है, या ज़्यादा बड़ा है या कम बड़ा है तो क्यों बड़ा है, सब आंसरेबल तो हूँ परफेक्ट। मैं। सो आई थिंक हर पलाई में वेदर यू चार 1700 3000 रहेगा। कितने बकरे हैं पलाई पर अपने पास? अभी मेरे पास में अप्रोक्स बल्ब 150 के करीब बकरे हैं। 150 150 एंड बॉम्बे वाले के कितने हैं? सर, बॉम्बे वालों के लगभग आप समझ लीजिए 100 110 बकरे होंगे। 101 बकरे। ओके, माशाल्लाह, अच्छा नंबर है यहाँ हाँ पे पलाई करने के लिए। एंड इन केस एनीथिंग हैपेंस टू द गोट, लोग ज़्यादा चिढ़ते हैं फार्मर से जब बकरे मर जाते हैं। आई जी मीन बिल्कुल ऑब्वियसली बहुत लोग बोलते हैं बकरा कोई आबे हयात पी के तो आया नहीं, कि हाँ मरेगा सही नहीं, बात है। मोर्टैलिटी होती है। हाउ डू यू मैनेज? कोई लोग स्कीम देते हैं, कोई लोग 50% मोर्टैलिटी रिफंड देते हैं, व्हाट डू यू डू इन सर द? ऐसा है कि इसके अंदर बकरे का मॉर्टेलिटी रिफंड वाला मामला तो बैठता नहीं है, क्योंकि हमको इतना कोई चार्ज नहीं कर रहे एक तो वो, दूसरा बकरे के अंदर शुरू में जो आया है, बकरा आया महीने 2 महीने 3 महीने में जब तक उसका टोटल वैक्सीनेशन नहीं होता उस वक्त बकरे के ज़्यादा चांसेस होते हैं मॉर्टेलिटी होने या कुछ भी बीमारी में आना करना, क्योंकि वो बाहर से आया होता है, जंगल से आया है या कहाँ से भी आया, ट्रेवल करके आया, किसके यहाँ से आया, उस वक्त चांस होते हैं। उसके बाद में तो बकरे में इतनी प्रॉब्लम आती भी नहीं है, एक बार पूरा वैक्सीनेटेड हो जाता है तो बकरा फिर अल्लाह चाहे तो बकरे को कोई तकलीफ़ नहीं आती। एजाज भाई, हमने 3 बकरे निकाले हैं। जी भाई मेरे को ये बकरा ना बहुत अच्छा लगा, इट्स ए ह्यूज गोट। जी आई थिंक अपने फार्म का सबसे बड़ा बकरा यही होगा मेरे ख्याल से, हाँ अभी बहुत सबसे बड़ा बड़ा। बकरा है। ये बिक्री के लिए अवेलेबल है? नहीं भाई ये पलाई का बकरा है, किसी का बॉम्बे की पार्टी है उनका बकरा है ये, अप्रॉक्स मेरे यहाँ पे 80 ऑड पे आया था, एटी तो समथिंग पे इतना आया बड़ा था, बकरा भी वही 1700 2000 में पल दो रहा है, हज़ार में पाल रहा हूँ मैं तो ये बकरा। 2000 रुपये में आप पाल रहे हैं, ये जी कितने भाई महीनों या कितना साल हो गया है बकरा पल के? नहीं भाई मेरे यहाँ पे ये लास्ट ईयर आया था, इसको लगभग लगभग 1 साल हो रहा है मेरे यहाँ पे आके, कब आया? अस्सी मैं बोल रहा हूँ ना 80 ऑड पे आया था, कौन से महीने अभी आया था लास्ट ईयर? लास्ट ईयर मार्च में आया था मेरे पास मार्च में। में। अभी हम लोग शूट कर रहे थे जनवरी, हाँ जन ख़त्म हो रहा है बस ये व्हाट इज द डेट टुडे? 24th। 24th। हाँ
तो 10 महीने हुए हैं ये, सो मार्च टिल दिसंबर, ठीक दस है, महीने हुए हैं तो अभी दस ये महीने में कितना गेन किया है वो सर। देखेंगे। अभी 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 ये वेट पे है लगभग 120-122 किलो का उतना है। पीपल विल आस्क कि भाई फात भाई आप जो है आप प्रूफ मांगो, क्योंकि जाहिर सी बात है कि हर पलाई का क्लाइंट जो है वो आके कमेंट नहीं करेगा। बिल्कुल, बिल्कुल। कैन यू यू हैव योर दिस थिंग ना, हाँ, आपके पास एक है, एक मार्च का वीडियो है आपके हाँ, पास, थोड़ा छाव में आप बता दोगे वहाँ पर लेके आओगे? बिल्कुल, बकरे इधर ही रहने दे भली। हाँ तब तक के जरा बकरा बकरा चलाओगे चलाओगे तीनों बकरे चलाओगे वहाँ से वहाँ पे वो जो घुमाना चलाइए। माशाल्लाह, एक के पीछे एक, एक के पीछे एक, चलाइए एक राउंड लीजिए, उसके पीछे उसके पीछे उसके पीछे, तीनों ऐसा घुमाओ ना, हाँ चलाइए माशाल्लाह। ये बकरा बहुत बड़ा है फर्स्ट वाला, माशाल्लाह माशाल्लाह। इजाज भाई डिड यू गेट इट? अच्छा मैं आ गया, तो आप देखिए इजाज भाई देखिए, एक लेट मी ट्राई एंड फोकस। ये देखिए आप 12 मार्च का वीडियो है, ये अपने फार्म का वजन है जी, 91 kg, 12 मार्च 91 kg। अब कितना हो गया है मार्च अप्रैल, मार्च से दिसंबर तक के 9 महीना, हाँ। 10 महीना पकड़ो, और ये 11वां महीना चल रहा है, 11 महीना कंप्लीट होने के लिए हो गया, 11 महीना मेरे, 11 महीना लगभग, चलिए 11 महीने में। इधर लेके आइए बकरा वजन पे, वजन पे लेके आइए, एक बार वजन कर लेते लिया। उसको बराबर कर, ऊपर बराबर कर, 119 की देख बाबू, हंड्रेड एंड नाइनटीन ट्वेंटी के बीच में, 19 निकालिए निकालिए बाहर, वजन देख लो, इट्स राइट -73-74, फिर 2-3 किलो ज्यादा आ रहा है, 73 आ, मेरा 76 आया यहाँ पे, आपका कितना था? -73-74। चलो अगर 100 कोई नहीं, चलो 1 किलो भी आप ले लो, आई हैव लाइक लॉट ऑफ थिंग्स इन माय पॉकेट, ठीक है तो चलो 118 अगर आप 118 भी मान, 118 भी मान लेते हैं तो 91 से 118 सर आ गया आपका 18 91 से 118 हाँ, मतलब हो गया 101 111 118, टोटल 27 kg बड़ा है 11 महीने में। हाँ, आर यू हैप्पी विद द रिजल्ट? सर ये ऐसा है कि एक तो ये अभी अभी आफ्टरनून आज है, अभी हमारा ये दाना वगैरह और ऐसा कुछ लिया हुआ नहीं है, पर अभी पानी पिए हैं इन्होंने। हाँ, पानी तो अभी सर्दी के अंदर वैसे भी नहीं पीते, अभी हमारे जानवर फुल तेल दिया हुआ है इनको, अभी जब तेल दिया हुआ होता है एज पर माई के, तेल जब दिया हुआ होता है जानवर थोड़ा सा बैक आता है, मैं ज़्यादा नहीं कहता कि कोई 10-20 किलो बैक आया होगा, पर 2-5 किलो का फ़र्क आता है जब तेल रेगुलर हम, तो हर महीने आप वीडियो भेजते हो, आप लास्ट मंथ का भी वीडियो बता दो फिर हमें कि लास्ट मंथ 120 के ऊपर था, एक लास्ट मंथ का, हाँ बिल्कुल वो मैं बता सकता हूँ आपको, एक मिनट, ये तेल पिलाना तो आपने लास्ट मंथ से शुरू किया होगा, हाँ है ना, हाँ, वही दिसंबर में शुरू किया हम लोगों ने, तो अगर एक मिनट और ये जो बकरा है ये गया है 103 किलो, 101 पकड़ो, 101 अजीमिंग, क्योंकि ये पथरा है इसलिए हिलने फिरने का सेंसर का इशू होगा, नॉट इंटेंशनली दे मस्ट हैव डन, बट सेंसर इशू हो सकता है। ये देखें आप, ये 125 का है,
125 से ये बकरा जो है अभी 120 पे, ये 5 किलो रिवर्स आया है। ओके ठीक, सो व्हाट आई एम सेइंग, आई मीन आर कस्टमर हैप्पी, कस्टमर्स हैप्पी, कस्टमर इज हैप्पी, कस्टमर इज हैप्पी, कस्टमर इज हैप्पी। 27 किलो ऊपर है 11 महीने में, है ना। और बकरा मतलब वो सोमर, अब 2000 में अगर ये मिल रहा है तो और क्या चाहिए। नहीं 2000 का भी है, उसके अलावा अभी ये बकरा है, अब हम जोधपुर में और हमारा सीजन अब ये फरवरी मार्च वाला जो टाइम आता है उसमें बकरा ज़्यादा हमारे यहाँ वेट ज़्यादा घसीटेगा हमारे यहाँ वेट वगैरह, क्योंकि हमारे यहाँ अभी ठंडक दिसंबर में जनवरी में काफ़ी ज़्यादा ठंडी होती है, ठंडी जब ज़्यादा होती है तो बकरा थोड़ा सा उस तरीके से पानी भी कम उठाता है और चारा वगैरह भी उस ये तेल वगैरह दे रहे होते हैं, तेल दे रहे होते हैं तो तेल की वजह से अनाज कम उठाने लगता है जानवर। तेल जब जाता है रेगुलर पेट में तो फिर वो अनाज कम उठाता है, इसलिए थोड़ा सा फिर अभी जैसे ही अब ये अब ख़त्म होगा जनवरी में, अब थोड़ी सी गर्मी शुरू हो गई, अब ख़त्म होगा तो फिर वो रेट एकदम तेज़ी से लेने लगता है। तो इतनी एक्सट्रीम गर्मी में भी वजन पकड़ते हैं, क्योंकि यहाँ पे तो कुछ ज़्यादा ही होती है। नहीं हमारे यहाँ पे तो होता है पर वो उससे फ़र्क नहीं पड़ता, वेट वगैरह अच्छा लगता है, यूज्ड टू इट ना, दे मेंट फॉर हॉट वेदर। ठीक है, तो 27 किलो का एवरेज मिला है बेसिकली, विच इज़ लाइक लिटल ओवर 2 अराउंड 2ish अबाउट, हाँ 3 हो गया, 33 11 महीने में हुआ ना, हाँ सॉरी हाँ 2 समथिंग एंड 2 समथिंग हाँ, विच इज़ फाइन, और मोर्टेलिटी नहीं है और वजन पकड़ रहा है कंसिस्टेंटली, और एक वेट के बाद वजन पकड़ना बहुत मुश्किल हो जाता है खसी, 100 के बाद में थोड़ा सा, 100 के बाद थोड़ा मुश्किल होता है, स्लो ही रहता है। इन ये कितने पे आए थे ये अभी, मेरे ख्याल से 105 किलो है, 105 और ये वाला आप खड़े करो, ये वाला 100 पीछे जाओ, ये 105, ये 100, ये भी 103, 102 के करीब ये भी है। ओके ये सब, ये सब दांत पे है दोनों, ये दांत देख लो, दांत देखो क्योंकि ये दो बिक्री के हैं, हाँ ये दोनों बिक्री के, ये दोनों बिक्री के हैं, 8 दांत है और ऐसे नहीं कि घसे हुए दांत है, नहीं नहीं ऐसे अच्छे खासे लंबे फ्रेश है। ठीक है, ये भी 8 दांत है, 8 दांत है, 8 दांत के बकरे हैं। क्या हाइट के होगी एजाज भाई? ये भाई ये वाला जो बकरा है ये 43 के करीब करीब होना चाहिए, 43 और उसके मैं आपके बता दूंगा, हाँ पकड़ इसको रखना सीधा कर बकरे को, थोड़ा सा आगे कर, थोड़ा सा आगे ले लो, फोर्टी थ्री हाइट का बकरा है ये, 43 हाइट है, 43 हाइट है, एंड दिस वन 41 हाइट, दिस वन 41 एंड दिस इज वेरी टॉल, 42 का होगा। ये बेचना नहीं है, ये खाली बस किसका, बॉम्बे वाली पार्टी का बकरा है, माइक माइक। ठीक है, ये जो है ये इसका वजन नहीं कराया हमने, खड़े करो इसको कर वीडियो में, ये 105 आया ना, कितना है 105 आई थिंक 103 आप पकड़ो इसको, और इसको आप 101 102 100 किलो का ही पकड़ लो तकरीबन, हाँ 100 पकड़ो। तो हाउ मच इज द क्लाइंट आस्किंग भाई? अब ये तो आएगा जब कॉल आएगा तो उसी पे बता देंगे जो भी होगा। क्लाइंट ने रेट नहीं बोला, रेट नहीं बताया यार उसने। ओके तो नंबर किसका डालना है आपका? यू विल कॉल हिम, मेरा डाल दीजिएगा, उसका भी दोनों डाल दीजिएगा, देख लेंगे आपका डाल देता हूँ, क्योंकि पलाई प्रमोट कर रहे हैं तो फिर पलाई मिस हो जाएगी, नहीं तो उनका डिस्क्रिप्शन में डाल दूंगा। ठीक है, और आपका डाल दूँ, आप उठा पाओगे ना? बिल्कुल, कॉल अटेंड कर पाओगे। ठीक है, और यहीं पे रखना है तो वही रेट रहेगा, रेट वही रहेगा। बॉम्बे तक की डिलीवरी कितनी हो जाती है इनकी भाई? अगर ये पर्सनल, अगर इसमें अपन ट्रेन में वगैरह भेजते हैं तो 1500 से 2000 रुपये का खर्चा आता है अप्रॉक्स। ओके, मैक्सिमम बता रहा हूँ, उससे ज़्यादा खर्चा नहीं आता। ठीक है, और फिर अगर कोई गाड़ी वगैरह कोई जा रही हो, कोई कर रही हो, तो 1000-1200 रुपये में भी पहुँच जाता है, 2000 रुपये पकड़ो आप। ओके ओके, चलिए, एनीवेरी इंटरेस्टेड टू कीप योर गोट्स ऑन पलाई हियर, जस्ट कॉल हिम अप, व्हाट इज़ योर नंबर? 9251 333400 थैंक यू सो मच, थैंक यू।